नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, एफसीआई के 14 तारीख के पहले शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये है आपके मोरक्को, मोरक्को शहर से बिलोंग करते हैं। और किसके दरबार में आए थे, ये अगले शिफ्ट का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, ये है मोरक्को के रीजन के। नेक्स्ट है आपका, टीडीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी या फिर टीडीएस में पूछा गया होगा कि टी या फिर डी या फिर एस की एस स्टैंड क्या करता है। तो टीडीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी बैंक्स नेशनलाइज इन 1969? तो 1969 में आपके 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। और अब तक पूछेगा कि 1969 से अब तक कितने नेशनलाइज हुए हैं, तो ये है आपका 20, आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, आईपीएल के ऑक्शन में हाईएस्ट पेड यहाँ पर सैम करन है, और ये कितने में बिके थे? ये है 18.50 करोड़। और जो क्वेश्चन आया था वो इस तरीके से आया था कि ये कौन से वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है, साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 वो किसे दिया गया है? ये है आपके एम राजेंद्र को दिया गया है। और ये किस बुक के लिए दिया गया है? ये है आपका काला पानी के लिए, काला पानी के लिए ये आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका, अबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे पूछा गया था, बायोटिक यानी कि जिसमें जीव होता है और अबायोटिक यानी जिसमें जीव नहीं होता है। तो ऑप्शन के थ्रू ये बहुत ही आसानी से आपका ये सवाल जवाब हो जाता। नेक्स्ट है आपका, सेवन्थ क्वेश्चन है, चंबल की ट्रिब्यूटरी पूछा था कि चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर यमुना आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दादा भाई जो नेहरूजी है उनकी बुक का नाम क्या है? तो एक ऑप्शन में था आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पीएम पूछा गया था नेपाल का, ये है आपका पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल है आपके नेपाल के पीएम। नेक्स्ट क्या आपका, पीएम वंदना योजना ये पहले भी रिपीट हुआ था, पिछली बार ये पूछा गया था कि PMVVY की फुल फॉर्म क्या है, PMY वंदना योजना। अब पूछा गया है इसकी मैक्सिमम लिमिट कब तक है, तो ये 60 ईयर तक इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, 11th क्वेश्चन है, टेम्पल जो कि एडिट किया था रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज साइट में, वो है रामप्पा टेम्पल। और किस इसका पूछा था, ये है कहाँ, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो तेलंगाना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 12th क्वेश्चन है, नॉन मेटल पूछा गया था कि नॉन मेटल इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है आपका, प्रोटोजोआ डिजीज पूछा गया था कि प्रोटोजोआ डिजीज कॉज कौन सा यहाँ पर डिजीज करता है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर आपका मलेरिया ऑप्शन में है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। दिन इलाही 14th क्वेश्चन है, दिन इलाही जो रिलीजन है वो किसने दिया था? तो ये आपका अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, फीफा 2022 का वेन्यू पूछा था, बहुत आसान है आपका, कतर में ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका, जो विनर कंट्री वो है अर्जेंटीना, रनर अप आपकी रहेगी आपकी फ्रांस। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी की मदर का नेम पूछा गया था, बहुत सिंपल सवाल है, पुतली बाई गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो है आपका 23 दिसंबर, और इसको क्या कहते हैं, इसी को आपका नेशनल फार्मर डे कहा जाता है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल होगा ये। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी डैम में अब तक यहाँ पर कितने डैम बन चुके हैं? 11 से ज़्यादा। और यहाँ पर जो ऑप्शन में के थ्रू पूछा गया होगा कि गोदावरी डैम से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर डैम है, तो जया करदी डैम अगर ऑप्शन में है तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 19th क्वेश्चन है, वेवलेंथ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। तो ऑप्शन के थ्रू आपका होना था, ये है आपका लैमडा से ये डिनोटेड किया जाता है। तो ये थे आपके 19 क्वेश्चन अब तक यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट दिया है तो और आप क्वेश्चन बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे, आने वाली शिफ्ट में मिलते हैं।